जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए आज नया टॉपिक लाए हैं हम लोग, देखेंगे दर्रा। ठीक है, दर्रा क्या होता है कि पहाड़ों से बीच में जाने वाला रास्ता होता है। ठीक है, तो आपके यूपीटेट के सिलेबस में दिया तो है आपके पूरे भारत से संबंधित जानकारी, तो उसमें क्या पता आपके प्रश्न यहाँ पूछ सकता है। ठीक है, दर्रा कौन सी दर्रा कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में, ठीक है, और किसको किसको जोड़ता है उसको समझेंगे। चलिए आज टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है दर्रा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं, आप लोग मेहनत करते रहेंगे। देखिए दर्रा होता क्या है, आप देखेंगे पहाड़ों में देखेंगे तो एक मतलब प्राकृतिक आवागमन के लिए मार्ग होता है। ठीक है, पहाड़ों में देखेंगे कटा छटा मार्ग जो रहता है, एक रास्ता, उसी को हम लोग रोड बना देते हैं और फिर एक एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब कि एक पहाड़ के इस पार से उस पार जाने के लिए वो मार्ग का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, इसको हम दर्रा कहते हैं। तो पहाड़ों के बीच लिखा है, देखिए यहाँ पे पॉइंट, पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा इंग्लिश में पास कहते हैं। ठीक है, या कहें कि पर्वतों जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनके मध्य पाए जाने वाले जो आवागमन प्राकृतिक मार्ग होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक मार्ग होते हैं ये, जो हम लोग मनुष्य द्वारा बनाते हैं वो सुरंग होती है पहाड़ों के बीच में। ठीक है, लेकिन ये प्राकृतिक मार्ग होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ये वे प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे होकर पहाड़ों के पार किया जाता है, मतलब पहाड़ों, देखेंगे हम यहाँ पे अगर कोई पहाड़ है, ठीक है, अगर इस पहाड़ से हमको इसके पीछे जाना है तो ये जो इसकी घाटी होगी इसके पास से हमको जाना होगा। ठीक है, तो घाटी के पास से जो रास्ता मिलेगा हमको वो क्या आएगा, दर्रा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं राज्यों के हिसाब से लाए हैं, राज्य किस राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग, पहले मैप में देख लेंगे कितने दर्रे हैं और किस राज्य में है। तो हम देखेंगे ऊपर, देखेंगे उत्तर भारत में, अपने भारत के उत्तर में देखेंगे, यहाँ पे ये लद्दाख का क्षेत्र है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, इसमें आप देखेंगे प्रमुख रूप से जो दर्रा है, पहला है काराकोरम दर्रा है, सबसे उत्तरतम, अगर कोई भारत के सबसे उत्तर में दर्रा है तो वो काराकोरम दर्रा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहीं पे है आपका लद्दाख में काराकोरम है, फिर बुर्जिला है, बुर्जिला दर्रा है, फिर उसका पंजाल दर्रा है, फिर जोजिला दर्रा है, जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है आपके जम्मू कश्मीर में। ये आपके पांच दर्रे जो आपके हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, अब बात करेंगे हम नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश है। क्या है, हिमाचल प्रदेश राज्य है। यहाँ पे तीन दर्रा मुख्य रूप से है, कौन कौन से है तो देखेंगे आप, बारालाचा दर्रा है, शिवकिला दर्रा है और रोहतांग दर्रा है। ठीक है, ये तीन दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। इसके बाद देखेंगे एक और राज्य आपका है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में भी तीन दर्रे हैं, कौन कौन से, माना दर्रा है, नीति दर्रा है और लिपुलेख दर्रा है। ये तीन आपके उत्तराखंड के दर्रे हैं। ठीक है, तो ये आपके देखिए इतने दर्रे यहाँ पे हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ चलेंगे पूर्वोत्तर भारत में, यहाँ देखेंगे सिक्किम राज्य है। सिक्किम में आपका दो इंपॉर्टेंट दर्रा है जिसका नाम है नाथुला है और एक जिलेपला है। क्या है, जिलेपला, ये दो आपके इंपॉर्टेंट है, सिक्किम राज्य में स्थित है दर्रे। ठीक है, और बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में है, यांग्याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है, दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये तीन दर्रा आपके कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, भारत के पूर्वी छोर पे अरुणाचल प्रदेश राज्य जो आपका है वहां पर तीन दर्रा है, बोमडिला, यांग्याप और दीफू। जस्ट नीचे आएंगे उत्तर पूर्व में देखेंगे आप लोग, उत्तर पूर्व में आपका एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा, ठीक है, जो आपके भारत से मणिपुर म्यांमार जाने के लिए एक है दर्रा। ठीक है, ये तो आपके उत्तर वाले भाग हो गए। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीप में, प्रायद्वीप में भी जो दर्रे हैं उसको देख लेंगे मैप में। महाराष्ट्र राज्य में देखेंगे दो दर्रा आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, कौन कौन सा है, तो एक आपका है थाल घाट दर्रा है और एक आपका भोर घाट दर्रा है। ठीक है, ये दो दर्रे आपके कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद नीचे देखेंगे केरल राज्य में, केरल राज्य में भी दो दर्रे हैं, इनका नाम देखेंगे तो पालघाट दर्रा है और सेनकोट्टा दर्रा है। ठीक है, ये दक्षिण में सबसे दर्रे हैं, पालघाट और सेनकोट्टा दर्रा इंपॉर्टेंट है आपके मैप में देख लिए। अब इसको हम एक एक करके टॉपिक वाइज इसमें देखेंगे। चलिए बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। ठीक है, वह लद्दाख राज्य में, ठीक है, लद्दाख राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं, तो पांच दर्रे हैं इन दोनों को मिला के राज्य में पांच दर्रे हैं। तो पहला आपका काराकोरम दर्रा है। ठीक है, काराकोरम दर्रा की विशेषता क्या है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ये। ठीक है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 5654 मीटर ऊंचा। ठीक है, 5654 मीटर ऊंचाई समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। उसके बाद देखें काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही आता है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी हम लोग पढ़े हैं, काराकोरम सबसे उत्तर पर्वत श्रेणी कौन सी, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद फिर पंजाब, सबसे उत्तर में जो काराकोरम श्रेणी है इसी काराकोरम दर्रा है वहां पे। ये पाक के कब्जे में, ठीक है, पीओके जो हमारा मतलब की पाक अधिकृत जो आपका है भाग कश्मीर वाला वही वहीं पे है ये, और कश्मीर और चीन को जोड़ता है, ये क्या करता है, कश्मीर और चीन को जोड़ता है आपके। दूसरा है जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट विशेषता देखेंगे, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3528 मीटर है। कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है, ये देखिए किसको जोड़ता है, कश्मीर की घाटी जो है आपकी उसको लेह से जोड़ता है।
और जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है, ये जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है आपका, जास्कर पर्वत श्रेणी में। आगे देखेंगे, आगे आपका है पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखिए 3490 मीटर है, और ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है, ठीक है, पर्वत श्रेणी पीर पंजाल देखे हैं। पुलगांव या कुलगांव कहते हैं इसको, पुलगांव या कुलगांव भी कहते हैं इसको, कुलगांव या कुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी दर्रे में है, ठीक है, इसी दर्रे से होकर जाता है पुलगांव और कोठी। अगला हमारा है बनिहाल दर्रा, ठीक है, जम्मू कश्मीर देखेंगे इसको। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 2832 मीटर, 2832 मीटर है, ठीक है। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ये भी स्थित है, कहाँ पे, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। जम्मू और श्रीनगर क्या है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है ये, जम्मू और श्रीनगर अलग अलग अपने शहर है, तो उसको आपस में जोड़ता है कौन, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में किस दो शहर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है कौन, बनिहाल दर्रा, ऐसे से हम सबको देख लेंगे। जवाहर सुरंग इंपॉर्टेंट है, जवाहर सुरंग जो आपकी है ये आपकी कहाँ है, इसी दर्रे में है जवाहर सुरंग। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला जो NH1A है, नेशनल हाईवे आपका 1A है, वो इसी दर्रे में है, ठीक है, बनिहाल दर्रे में। अगला आपका है बुर्जिला दर्रा, ठीक है, ये आपका देखिए लद्दाख और लद्दाख में है। इसकी समुद्र से ऊंचाई कितनी है, 4100 मीटर है, और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, गिलगित से। आप देखेंगे मैप में, यहाँ पे आपका यहाँ श्रीनगर है और यहाँ पे गिलगित है, यहां से रास्ता जाता है, तो एक श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है कौन सा दर्रा, बुर्जिला दर्रा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, हम आगे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश पढ़े हैं, तीन दर्रा है कौन कौन सा उसको देख लेंगे। इसमें पहला बात आपका है बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा देखेंगे इसकी विशेषता क्या है। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 4843 मीटर है, कितनी है, 4843 मीटर है, ठीक है। और ये क्या है आपकी, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है, जास्कर पर्वत श्रेणी में ये स्थित है। और मंडी और लेह क्या है, मंडी और लेह को जोड़ता है ये, मंडी आपका हिमाचल प्रदेश में है और लेह क्या है आपका, लेह लद्दाख वाला, उस क्षेत्र को आपस में जोड़ता है। आगे बात करेंगे शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा दूसरा देखिए हिमाचल प्रदेश का। इसकी समुद्र से ऊंचाई कितनी, 4300 मीटर है, ठीक है, 4300 मीटर, और जास्कर पर्वत श्रेणी में ये भी है आपका, जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है, और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। इसके शिमला आपकी देखेंगे हिमाचल प्रदेश राजधानी है, और इसके जस्ट पूरब में देखेंगे तिब्बत आपका है एक चीन का पार्ट, उसको जोड़ता है, शिमला और तिब्बत को जोड़ता है शिपकिला दर्रा। इसमें देखेंगे सतलुज नदी जो भारत की है इसी के पास से प्रवेश करती है, ठीक है, जो आपकी मानसरोवर झील से सतलुज नदी जो यहाँ पे है यहाँ से प्रवेश करती है। आगे देखेंगे रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश का ये भी दर्रा इंपॉर्टेंट है आपका, हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में है, ठीक है, कहाँ है, पीर पंजाल श्रेणी में है ये। इसकी समुद्र से ऊंचाई कितनी है, 4620 मीटर है, ठीक है। और ये मनाली, मनाली देखिए हिमाचल प्रदेश में है, और लेह आपस में जोड़ता है, मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। आगे चर्चा करेंगे हम उत्तराखंड राज्य के बारे में, देखेंगे उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, तो हम देखे हैं तीन दर्रा यहाँ पे भी है, कौन कौन से हैं। पहला आप देखेंगे लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद है यहाँ पे है ये, 534 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, समुद्र तल से। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के, ठीक है, आपके उत्तराखंड में पिथौरागढ़ है स्थान, वहां से तिब्बत के बीच जाने के लिए ये दर्रा है, तिब्बत के तकलाकोट, क्या है, तकलाकोट को जोड़ता है आपका लिपुलेख दर्रा। आप देखें मैप में यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए उत्तराखंड का यहाँ पे क्षेत्र है, तो ये आपका क्या है, पिथौरागढ़ है, और इधर आपका ये पूरा आपका तिब्बत वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो इसको जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत यात्रा जानते हैं, तिब्बत में है कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रेणी भी है, वहाँ मानसरोवर झील भी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सब यात्रा मानसरोवर में तो यात्री जाते हैं यात्रा करने, ये क्या है, इसी रास्ते से गुजरते हैं, इसी दर्रे से गुजरते हैं। आगे देखेंगे नीति दर्रा, उत्तराखंड में है नीति दर्रा, ये दर्रा 568 मीटर की ऊंचाई पे है, उत्तराखंड की महाहिमालय श्रेणी, महाहिमालय मतलब यह हिमालय में, ठीक है, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है माना दर्रा, माना दर्रा देखिए उत्तराखंड का ये भी दर्रा है, उत्तराखंड के अंतिम अंतिम गांव माना, माना या माड़ा कहते हैं ये गांव है, माना उसी के नाम पर रखा गया, माना दर्रा स्थित है, और ये दर्रे की ऊंचाई कितनी, 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये समुद्र से, उत्तराखंड के माना गाँव को तिब्बत से जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है देख लीजिए यहाँ पे, माना गाँव को तिब्बत से जोड़ता है माना दर्रा, ठीक है, माना गाँव को तिब्बत से जोड़ता है। आगे चर्चा करेंगे सिक्किम राज्य की बात करेंगे, दो प्रमुख रूप से यहाँ पे दर्रे हैं,
कौन कौन से हैं, देखेंगे नाथुला है और जिलपला है, ठीक है, नाथुला और जिलपला दो दर्रे हैं। देखिए यहाँ दर्रे को ला भी कहते हैं, जो लगा इसमें नाथुला जिलपला, इसका मतलब होता है दर्रा, ठीक है, इसका मतलब ही दर्रा होता है। ये नाथुला की विशेषता पढ़ेंगे तो ये दर्रा सिक्किम राज्य में है, ठीक है, सिक्किम राज्य, सिक्किम में आपके है डोगे क्या श्रेणी, ठीक है, डोगे क्या क्या है, पर्वत श्रेणी एक है, और ये क्या है 4,310 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है, 4,310 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। ये दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी, क्या है, सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है, ठीक है। ये आपके जो चाइना युद्ध हुआ था 1962 वाला, उसमें इसको बंद कर दिया गया था, फिर 2006 में इसको फिर पुनः खोल दिया गया था व्यापार के लिए। अगला है आपका, इसमें देखिए भारत और चीन की सीमा पे है जिलेपला, जिलेपला देखेंगे आगे। ये सिक्किम और भूटान, देखिए सिक्किम और भूटान यहाँ पे देखेंगे मैप में, ये देखिए नाथुला यहाँ लिखा है, यहाँ पे जिलेपला है, ये वाला आपका भूटान है, यहाँ पे आपका सिक्किम और भूटान, ठीक है, भूटान को जोड़ता है जिलेपला, ये जिलेपला दर्रा आपका सिक्किम और भूटान को जोड़ता है, ये सिक्किम राज्य है और ये भूटान इसके बगल में पड़ोसी है, ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ता है। इसके समुद्र तल से ऊंचाई देखेंगे तो 4,270 मीटर है, ठीक है, और इसका निर्माण जो है तिस्ता, तिस्ता नदी के द्वारा किया गया है, ठीक है, इसका निर्माण तिस्ता नदी के काट गाज जो बनते हैं काट के पानी से, वही तिस्ता नदी आपके सिक्किम बहती है, तिस्ता नदी के द्वारा ही हुआ है इसका निर्माण। आगे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे अपने, यहाँ पे देखिए पहला आपका है बोमडिला, ठीक है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है आपके, इसकी समुद्र से ऊंचाई कितनी है 2,217 मीटर, अरुणाचल प्रदेश के तवांग, तवांग या ल्हासा कह सकते हैं, तिब्बत की राजधानी है तवांग और तिब्बत की राजधानी ल्हासा, तवांग और तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जोड़ता है, ठीक है, और तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है यहीं पे, ठीक है, इसी के पास में क्या है, एक बोमडिला दर्रे के पास ही एक बौद्ध मठ स्थित है। आगे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा, क्या है, यांग्याप दर्रा, ठीक है, यह दर्रा भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है, भारत और देखो यहाँ पे यांग्याप दर्रा, ये भारत और ऊपर क्या है इसके तिब्बत है, ये ऊपर तिब्बत है और ये भारत के सीमा पे है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी इसी के पास से प्रवेश करती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है मानसरोवर से झील से निकल के ये इसी से भारत में प्रवेश करती है प्रदेश से, ठीक है, यांग्याप दर्रा से। अगला है दीफू दर्रा, ठीक है, दीफू, दीफू दर्रा और अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे दीफू दर्रा है आपका, दीफू दर्रा, तो ये आप देखेंगे पूरब में इसके भारत के म्यांमार है, म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार देश है, तो इसको क्या है कि आपके भारत को म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के भारत पे है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मणिपुर, मणिपुर में देखिए एक दर्रा इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है उसका, तुजू दर्रा, इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, उसको म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, उसको आपके म्यांमार से जोड़ता है। यहाँ पे देखेंगे आप ये मणिपुर है और इसी के नीचे देखेंगे यहाँ पे एक दर्रा है आपका तुजू दर्रा, ठीक है, और नीचे आपका ये पूरा बगल पड़ोसी आपका है म्यांमार, इसको जोड़ता है, ठीक है, आपका तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में। आगे हम देखेंगे अब दक्षिण प्रायद्वीप में देख रहे हैं, प्रायद्वीप में देखेंगे महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र राज्य में दो इंपॉर्टेंट है थालघाट और भोरघाट, ठीक है, थालघाट दर्रा क्या है, मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है, ठीक है, आप देखेंगे मुंबई यहाँ तो समुद्र तट पे है और नासिक इसके ऊपर है थोड़ा यहाँ पे, तो मुंबई और नासिक को जोड़ता है कौन सा दर्रा, थालघाट दर्रा। आगे हम देखेंगे भोरघाट दर्रा, ये भी नीचे है, ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है 528 मीटर ही ऊंचा है, और मुंबई को, मुंबई क्या है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पुणे से, ठीक है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, जो चेन्नई के रास्ते में मतलब चेन्नई जाने के लिए रास्ता बनाता है, देखेंगे यहाँ पे चेन्नई तो आपका यहाँ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये मुंबई है और यहाँ पुणे है, इसके बीच में पड़ता है मुंबई और पुणे के बीच में, और यहाँ से रास्ता आता है चेन्नई जाने के लिए, ठीक है, NH 48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे, देखिए लिखा है NH 48 जो आपका है नेशनल हाईवे, वो मुंबई से आप क्या करेंगे चेन्नई जाएंगे तो इसी दर्रे से होके जाएंगे, ठीक है, इसी दर्रे से होके जाएंगे मुंबई से चेन्नई, NH 48। आगे देखें केरल में, केरल में देखिए दो दर्रा यहाँ पे भी है, पालघाट और सेनकुट्टा, पालघाट दर्रा देखेंगे तो इसकी समुद्र से ऊंचाई कितनी है 300 मीटर है मात्र, और ये किसको जोड़ता है तो कोंजिकोड, कोंजिकोड कहाँ है, केरल है, और कोयम्बटूर तमिलनाडु का, ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु का है शहर, उसको आपस में जोड़ता है। अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के भी बीच में स्थित है, जो अन्नामलाई पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी है उसके बीच में ही ये स्थित है आपका पालघाट दर्रा, ठीक है। अगला है सेनकुट्टा, सेनकुट्टा दर्रा देखेंगे तो ये इलायची पहाड़ियां, क्या है, इलायची पहाड़ियां, जो कार्डियम पहाड़ियां हम पढ़ते हैं
वहां पे है आपका सेनकोटा दर्रा, और इसकी ऊंचाई कितनी, 210 मीटर ऊंचाई है। और जोड़ता किसको है, तिरुवंतपुरम, तिरुवंतपुरम केरल का शहर है, तिरुवंतपुरम को और मदुरै, मदुरै तमिलनाडु, तमिलनाडु का, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ता है सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दर्रे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पूछ सकता है, दो शहर जो देख के पूछ सकता है, तिरुवंतपुरम और मदुरई को जो आपका जोड़ता है, कौन सा दर्रा जोड़ता है, ऑप्शन दे देगा कुछ भी, आपका सही क्या है, सेनकोट्टा है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको तैयारी करते रहेंगे, हमारे वीडियो आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है, ये आपके ज्योग्राफी पोर्शन का हम लोग करा रहे हैं, इसके बाद आपका पॉलिटिक पोर्शन कराएंगे, यूपी स्पेशल भी इसमें चलेगा क्योंकि आपके पीटेट सिलेबस में दिया है, आप लोग तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज की टॉपिक हमारी यहीं खत्म होती है, तो आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।